नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आचल तिवारी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भले ही कानून व्यवस्था का हवाला देकर ईडी के ऑफिस में पेश होने का अपना फैसला वापस ले लिया है, लेकिन वो इसे सियासी मुद्दा बनाने में पूरी तरह सफल रहे। दरअसल शरद पवार सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी है। वह चक्रव्यूह को रचना और भेदना दोनों जानते हैं। गेम प्लान बनाने में उनको महारत हासिल है, इसीलिए उन्हें सियासत का चाणक्य भी कहा जाता है। शरद पवार का यह गेम प्लान आगामी विधानसभा चुनाव में एनसीपी के लिए निर्णायक मोड़ भी साबित हो सकता है। इस सियासी लक्ष्य में पवार को विपक्ष के अन्य दलों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर विपक्ष दलों के नेताओं के साथ बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया है, तो शिवसेना ने उन्हें सियासत का भीष्म पितामह तक कर डाला है। दरअसल विपक्ष को लगता है कि शरद पवार के पक्ष में सहानुभूति जुटाकर महायुति के पक्ष में चल रही लहर की काट धूड़ी जा सकती है। ईडी खुद पवार के खुद ब खुद पेश होने से हैरान थी, लेकिन सियासत की बारीकियों को जानने वाले शरद पवार के गेम प्लान से अच्छी तरह वाकिफ है। दरअसल इस मुद्दे को आगामी चुनाव में भुनाना चाहते हैं। इसके तीन फायदे होंगे। पहला, ईडी के सामने से जाकर ये दिखाने की कोशिश करना कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। दूसरा, इस कदम से शरद पवार पर आने वाले दिनों में चुनाव कैंपेन के बीच संभावित किसी भी तरह की परेशानी से बच सकते हैं। इससे ईडी पर दबाव होगा कि जब तक पूरी तैयारी ना हो शरद पवार पर हाथ भी ना डाला जाए। तीसरा, शरद पवार अपनी इस लड़ाई को दिल्ली बनाम महाराष्ट्र की शक्ल देना चाहते हैं। पवार खुद को विक्टिम की तरह पेश करना चाहते हैं, जिससे यह दिखाया जा सके कि दिल्ली में बैठे लोग महाराष्ट्र के बड़े नेता को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दशकों से महाराष्ट्र की सियासत की धुरी बने शरद पवार अपने सियासी जीवन के संध्या काल में फिर से जंग के मैदान में हैं। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में शरद पवार को उनके इस गेम प्लान का कितना फायदा मिलेगा। यह थी एचएम न्यूज की खास रिपोर्ट। इसी तरह के खबरों के लिए जुड़े रहिए एचएम न्यूज के साथ। यदि आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।